शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 24 के मेले में अखिलेश अकेले। जी हां, समाजवादी पार्टी की ओर से जारी चिट्ठी के बाद अब समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से सियासी तलाक हो गया है। सपा की ओर से जारी चिट्ठी में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को अपनी राह चुनने के लिए कहा गया है। इशारा साफ है कि अब समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रह गया है। हालांकि इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद तो ये तय ही माना जा रहा था कि ये सियासी तलाक जल्द ही सामने आ सकता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या है इस सियासी तलाक के मायने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों के बीच दूरियां बढ़ते बढ़ते सियासी तलाक तक पहुंची गईं, जिसके कयास लंबे अरसे से लगाए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल यादव ने बागी तेवर अख्तियार कर रखे थे। अपने हर बयान में शिवपाल यादव इस बात का दावा कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने अगर उन्हें सम्मान दिया होता तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। वहीं हार के बावजूद सपा के साथ होने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी धीरे धीरे अखिलेश यादव से किनारा करते दिखे। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को उसके गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी चारों खाने चित कर दिया, तो ओम प्रकाश राजभर भी खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करते दिखे। ओम प्रकाश राजभर ने हर बार हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ा। ओम प्रकाश राजभर वहाँ नजदीक जाकर के देख लिया, पढ़ लिया कि समाजवादी पार्टी में अति पिछड़े अति दलित की अगर कोई बात करेगा, बैठा दीजिए डिबेट पर अखिलेश जी को, मैं पूछ लूं। 58 सीटों पर एक भी कश्यप को टिकट नहीं, एक भी पाल प्रजापति नाई गुण को टिकट नहीं, बंजारा बहेलिया खंगार को टिकट नहीं, वोट चाहिए, क्यों देगा वोट? ये बात मैंने जब उसको सुझाव दिया था, कहा दूसरे चरण में देंगे। 55 सीटों का फिर चुना हुआ नहीं दिया उन्होंने, फिर मैंने कहा आखिर उसमें वोट कैसे मिलेगा, कहें आप चिंता मत करो हम वोट मैनेज कर रहे हैं, तो चिंता ऐसी हो गई कि चुना हुआ हार गए। वहीं अखिलेश यादव की मुश्किल उस वक्त और बढ़ गई जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवपाल यादव की एक चिट्ठी वायरल हो गई। इस चिट्ठी के जरिए शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के सम्मान का मसला उठाया और गठबंधन के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के विरोध का ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव के ऐलान से साफ हो गया कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करने जा रहे, जिसे लेकर यूपी का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ता दिखाई दिया। वहीं इसके बाद सियासी तपिश उस वक्त बढ़ती दिखी जब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शिवपाल यादव के राह पर चलते दिखाई दिए और उन्होंने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ यही कह दिया कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैदान में आए होते तो हम चुनाव जीतते और देश के प्रधानमंत्री हैदराबाद में नहीं कहते कि किला हमने गिरा दिया। आज वही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव में हमको बैठक में नहीं बुलाया, फोन करके मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बैठ गया था कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेके नहीं चलना है। और उसके बाद हमने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया कि जब वो पूछ नहीं रहे हैं, एक आदमी पूछ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, एक तरफ वोट मांगने वाले दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वोट मांगने वाले कह रहे हैं जिसके साथ है वोटें नहीं मांग रहे। वहीं सियासी तलाक का ये ड्रामा लंबे वक्त से चल रहा था, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव का सियासी तलाक तय हो चुका है। हालांकि ये कब होगा, इस पर चर्चा का बाजार गर्म था। वहीं शनिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को जो चिट्ठी जारी हुई, उससे सियासी तलाक की खबर पर मुहर लग गई। पहले आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को लिखी चिट्ठी में क्या कहा गया है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं ऐसी ही चिट्ठी समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव को भी लिखी गई, जिसमें लिखा गया है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं सपा के चिट्ठी वाले सियासी तलाक के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला। राजभर ने फिर से कहा कि एसी कमरे में बैठकर सियासत नहीं होती है। देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे एसी में रहें, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। आजमगढ़ का चुनाव
मैंने खुद उनसे कहा था कि आप चौहान लड़ा दो, कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, राजपूत लड़ा दो, लेकिन नहीं, लड़ेगा कौन? यादव लड़ेगा, यादव लड़ेगा, मुसलमान। हम यादव मुसलमान के खिलाफ नहीं, लेकिन जीतने के लिए आपको वोट कलेक्ट करना है। जब आपका वोट टूट रहा है तो नया वोट पैदा करो, ये कहना उनको बुरा लगा। तो हम तो भाई जो सच है वो सच बोलते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सियासी तलाक वाली चिट्ठी पर बीजेपी ने भी तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही ऐसा रहा कि जिसका भी हाथ पकड़ा उसे झटका ही दिया। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है, जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को कच्चा दिया हो उसने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा के गठबंधन के वो आखिरी किरदार थे जो 2022 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी समाजवादी पार्टी के साथ होने का दावा कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से उनके और अखिलेश यादव के बीच जुबानी वार पलटवार की जंग देखी जा रही थी, उससे पहले ही सियासी तलाक के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर सपा की चिट्ठी के बाद अब मुहर भी लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी की ओर से सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को तलाक वाला खत भेजा गया, तो अब अरविंद राजभर की ओर से भी अखिलेश यादव को चिट्ठी भेजी गई है। इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के खत को लेकर पलटवार किया गया है। अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र और उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी बता रहे हैं। दलितों, अल्पसंख्यक, कमजोर तबकों की लड़ाई के लिए आपके साथ जुड़े थे अखिलेश। वंचित तबकों के बारे में नहीं सोचते हैं। आदिवासी समाज से जुड़े होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। एसटी समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सबल बनाने के लिए कटिबद्ध हूं। तो दरअसल आपको बता दें कि सुभाषपा की तरफ से भी एक लेटर के जरिए अखिलेश यादव पर पलटवार किया गया है। नहीं दिया उन्होंने, फिर मैंने कहा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर से विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अखिलेश यादव जी, आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो। आप पिछड़ों के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किस नेता को डिप्टी सीएम बनाया? पिछड़ों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इधर शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं वैसे तो सदैव ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। तो दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही दलों को लेटर जारी करके कहा गया है कि आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, और उसके जरिए अब शिवपाल यादव ने भी सपा पर वार किया है ट्वीट के जरिए। और अब आपको बताते हैं ओपी राजभर से सियासी तलाक की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है। तो विधानसभा चुनाव के बाद सियासी तलाक के कयास लगने शुरू हो गए थे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देंगे। और एमएलसी चुनाव में राजभर के बेटे को टिकट नहीं मिला और तब से ही माना जा रहा था कि ओपी राजभर नाराज हैं। बेटे को टिकट ना मिलने से ओपी राजभर नाराज देखे और लोकसभा उपचुनाव में उनकी नाराजगी खुलकर देखने को मिली। और राजभर ने हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया था और एसी कमरों से बाहर निकलने की उन्हें नसीहत भी दी थी। अखिलेश ने कहा कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच दूरी दिखी और राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनसे वोट नहीं मांगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही ये लेटर जारी किया गया प्रसपा और सुभाषपा की पार्टी को, यानी कि दल को। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार इसकी इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है।
तो राजभर ने हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही एसी कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने कहा था कि धरातल पर आइए और वहां हकीकत को देखिए। अखिलेश ने कहा कि उन्हें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच दूरियां नजर आईं और राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं बुलाया वोट के लिए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे उन्होंने बुलाया कि हाँ कि हमारे जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू उनका समर्थन करें। तो ये उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किन वजहों से ये तलाक की नौबत आ गई। राजभर के विधायकों ने चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और चुनाव के बाद राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली। दरअसल पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात ऐसे बने। इसके साथ ही चिट्ठी में कई बातों का और जिक्र किया गया। चिट्ठी में कहा गया कि ओपी राजभर ने अपनी राह चुनने को कहा है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारियां देते हैं राजभर से सियासी तलाक के आखिरकार मायने क्या कुछ हैं। तो पूर्वांचल के जिलों में राजभर वोटरों का दबदबा माना जाता है और 90 विधानसभा सीटों पर राजभर वोटर मजबूत माने जाते हैं। अवध के कई जिलों में भी राजभर वोटर मजबूत है और कई सीटों पर राजभर वोटर हार जीत तय करते हैं यानी कि निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। 2017 में सुभा सपा का बीजेपी के साथ गठबंधन था। 2017 में राजभर की पार्टी 4 सीटें जीती थी और 2022 में सुभा सपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। 2022 में राजभर की पार्टी 6 सीटें चुनाव में जीती और 2022 में सपा को भी सुभा सपा से गठबंधन का फायदा मिला लेकिन अब ये टूट की कगार पर गठबंधन पहुंच चुका है। शिवपाल यादव से सियासी तलाक की इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी इनसाइड स्टोरी समझाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव की शिवपाल से नाराजगी जग जाहिर थी और विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच दूरियां दिखाई दी। चुनाव के बाद शिवपाल यादव के बागी तेवर तल्ख हो गए थे। शिवपाल यादव ने कई मसलों पर पार्टी का विरोध किया। समाजवादी पार्टी की नीति पर कई बार सवाल उठाए। अखिलेश यादव को पार्टी से निकालने की चुनौती दी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का भी ऐलान किया। यशवंत सिन्हा के पुराने बयान को हथियार बनाया और बयान को मुलायम सिंह यादव का अपमान बताया। बयान को आधार बनाकर राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और शिवपाल के बगावती तेवर देखकर सपा ने चिट्ठी जारी की और चिट्ठी में शिवपाल यादव से अपनी राह चुनने को कहा गया है। उधर शिवपाल से सियासी तलाक के मायने क्या कुछ हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। शिवपाल यादव की सपा में मजबूत पैठ रही है। मुलायम सिंह यादव के सबसे मजबूत सिपह सलार वो रहे हैं और सूबे की राजनीति में बड़ा अनुभव रखते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। शिवपाल से जुड़े कार्यकर्ता पार्टी से दूर हो जाएंगे और शिवपाल की यादव वोटरों के बीच अच्छी पैठ बताई जाती है। मुस्लिम वोटरों के बीच भी मजबूत पैठ रखते हैं और शिवपाल के पार्टी छोड़ने से सपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो एक ओर ओपी राजभर और शिवपाल यादव से सपा का सियासी तलाक हुआ तो दूसरी ओर महान दल के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले केशव देव मौर्य ने भी उन पर बड़ा हमला बोला है। आजम खान के साथ मुलाकात के बाद जहां केशव देव मौर्य ने उन्हें जौहरी बताया तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को सियासत का कच्चा खिलाड़ी करार दे दिया। मैंने मुहावरा के रूप में कहा कि जिस प्रकार अगर कोई चीज बच्चे को दे दी जाए तो वो बच्चा हीरे को कंचा समझ लेगा, वो भी चमकीला होता है शीशे की तरह, तो उसे खेलेगा और जौहरी के पास चला जाए। तो मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा दल हूँ, महान दल, बहुत छोटा सा नेता हूँ, लेकिन मैं 25-50 विधानसभाएं जिताने हराने का मामला रखता हूँ। और अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में कावड़ियों का तांडव देखने को मिला और जहां कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया और उनके विरोध प्रदर्शन के तहत ही प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। कावड़ियों का आरोप है कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उनकी कावड़ के ऊपर थूककर उसे अशुद्ध करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानंद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कावड़ियों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि ये लोग आरोपियों को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे और इस दौरान इन लोगों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। मेरठ के परतापुर इलाके में फूटे कांवड़ियों के गुस्से से पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कांवड़ियों ने परतापुर इलाके में सड़क पर जाम लगा दिया
और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांवड़ियों का आरोप था कि कुछ विशेष समुदाय के युवकों ने उनकी कांवड़ के ऊपर थूक कर उसे अशुद्ध करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये कांवड़िये भड़क गए और ये लोग आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। दरअसल कांवड़ियों के आरोप के बाद फौरन ही पुलिस ने आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया था और आरोपियों को परतापुर थाने लाया गया था, जहां पर घटना से नाराज कांवड़िये पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस दौरान कांवड़िया आरोपी युवकों को उनके हवाले करने की मांग करते दिखे, जिससे पुलिस और प्रशासन के माथे की शिकन बढ़ गई। NH-58 पर लगातार कांवड़िये हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के NH-58 की हैं। कांवड़ियों को आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवक ने उनकी कांवड़ के ऊपर थूका है। हमारे पास कांवड़िया मौजूद नहीं, पता क्या कुछ यहाँ पे हुआ? सर, हमारे कांवड़ पे थूक दिया है युवक ने। अच्छा, कौन कोई युवक? सर, हमें ये दिखाया नहीं गया अभी तक, हमने जो बाकी भीड़ में ले गए थे उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया गया। उसको एक आरोप को पकड़ लिया है, एक आरोप को पकड़ लिया है। हाँ जी। इस दौरान कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया, जहाँ पर इन्होंने थाने में तोड़फोड़ भी की और जमकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं हालात को देखते हुए DM दीपक मीणा भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने नाराज कांवड़ियों को मनाने की कोशिश की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। और बाकी कोई और भी मांगे तो हम बात करने को तैयार हैं और लगातार सुचारू रूप से कांवड़ चलती रहे और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा प्रदान कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हरिद्वार से जल लेकर मेरठ पहुंचे और उसके बाद कांवड़ खंडित की गई है, क्या सहयोग मिल पाएगा प्रशासन का? ये लोगों के द्वारा कहा गया है, ये उसी पे बात चल रही है, किस टाइप की समस्या है, अभी भीड़ में वो बात चल रही है। एक बार इसका निराकरण हो जाए, जो सही स्थिति होगी, जो भी कार्रवाई करनी होगी, मैं मेरे द्वारा आपको अवगत कर रहा हूं। पकड़ लिया है जिन पे कुछ आरोप लगाए गए। मेरठ में कांवड़ पर थूकने के मामले को लेकर कांवड़ियों की नाराजगी को देखने के बाद पुलिस और प्रशासन ने भी फौरन एक्शन लिया, जिसके बाद आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं कांवड़ियों के विरोध प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक मेरठ हाईवे जाम रहा, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। वहीं कांवड़ियों के सुख प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक मेरठ के परतापुर में अफरा तफरी का आलम दिखाई दिया। मेरठ से पारस गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।